हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लीव्स पत्तियाँ। आज इस क्लास में इस चैप्टर के एक पार्ट को हम रीड आउट कर लेंगे, उसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आओ शुरू करते बेटा। लीव्स पत्तियाँ, जो हमें पेड़ों के ऊपर हरी हरी कलर की पत्तियाँ दिखाई देती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पत्तियाँ कैसी होती हैं, क्यों ग्रीन कलर की होती हैं, उसका क्या कार्य होता है, उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की यहाँ पर जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, वो दिखाई दे रही हैं। कोई इस प्रकार की है, हार्ट शेप में है, कोई तो हल्का सा राउंड शेप में है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, इस प्रकार की हम यहाँ पर लीव्स देख रहे हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर, द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री इज नाउ। द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री इज नाउ। इस समय जो मौसम भी कैसा है, बरसात का मौसम है, तो ये द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री इज नाउ। तो इस समय पौधे को उगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस समय पौधे जब उगाते हैं वो अच्छे से लगते हैं, उगते हैं, तो ये समय जो है वो पौधे उगाने का सबसे अच्छा समय है। आओ शुरू करते बच्चों। रियाज क्लास टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। रियाज, रिया के ऊपर कोमा, एस एस मतलब एपोस्ट्रोफ। तो रिया की जो क्लास टीचर हैं इसका मतलब होता है काके की। तो रिया की क्लास टीचर आस्क्ड पूछती है द स्टूडेंट्स बच्चों को टू कलेक्ट सम लीव्स। क्या कहती हैं, टू कलेक्ट सम लीव्स। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, एकत्र करना, सम कुछ लीव्स पत्तियाँ, कुछ पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए वो कहती हैं। सो दैट ताकि दे कुड मेक सम डिफरेंट फिगर विद देम। दे वे कुछ सकें, मेक बना, सम कुछ डिफरेंट अलग अलग फिगर्स आकृति, ताकि कुछ अलग अलग आकृति बना सकें विद देम उनके साथ, एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट। एक जो काम उनको सौंपा गया है उसका एक भाग है, उस असाइनमेंट के द्वारा वो अलग अलग आकृति बना सकें। रिया वाज केयरफुल मतलब सावधान रखी थी उसने, केयरफुल थी, टू पिक उठाने के लिए, पिक मतलब उठाना, ओनली केवल दोज लीव्स वे पत्तियाँ दैट जो कि हैड फॉलन जो कि गिर चुकी थी ऑन द ग्राउंड, जो कि मिट्टी में गिर चुकी थी, ज़मीन पर गिर चुकी थी, उन पत्तियों को उसने उठाया, किसी पेड़ से पत्तियाँ तोड़ा नहीं, उसने ध्यान रखा कि जो पत्तियाँ नीचे गिर जाएँ उसी को मुझे उठाना है। शी वाज अज्यूम्ड टू सी सो मैनी लीव्स। सी वाज वह थी अज्यूम्ड अम्यूज्ड खुश टू सी सो मैनी लीव्स। सी वाज अम्यूज्ड टू सी सो मैनी लीव्स। वह बहुत सारी पत्तियाँ देखकर खुश थी, अम्यूज मतलब खुश होना, टू सी देखकर, सो मैनी लीव्स इतनी सारी पत्तियाँ देखकर। अब हमको करना है ड्रा एंड नेम थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। यहाँ पर तीन अलग अलग पत्तियों को ड्रॉ करना है, इस बॉक्स में और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। बेटा आप ये काम घर पे करोगे। यहाँ पे तीन पत्तियों के आपको डायग्राम बनाने हैं और किस प्रकार की पत्ती आपने बनाई है उसका नाम आपको यहाँ पे नीचे इसमें बॉक्स में लिखना है। अब आगे देखते हैं हम। देयर इज़ ए वाइड रेंज ऑफ लीव्स ऑल अराउंड अस। देयर वहाँ इज़ है ए वाइड रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज है, वाइड मतलब यहाँ पे बड़ी रेंज बताने के लिए, श्रेणी बताने के लिए, ऑफ लीव्स पत्तियों की, ऑल अराउंड अस हमारे चारों तरफ, ऑल मतलब सभी, अराउंड मतलब चारों तरफ, अस मतलब हमारे चारों तरफ पत्तियों की बहुत बड़ी रेंज है। दे अराइज फ्रॉम द स्टेम। दे मतलब वे कौन पत्तियाँ, अराइज उगती हैं, फ्रॉम द स्टेम स्टेम से उगती हैं, एंड ब्रांचेज ऑफ द प्लांट और प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएँ होती हैं, वहाँ पर ये पत्तियाँ लगती हैं या उगती हैं। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, दे मतलब ये लीव्स, हेल्प अस सहायता करती है हमारी इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स, प्लांट्स को पहचानने में सहायता करती हैं। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानना। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स। जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट, पौधों का किचन कहलाती है, पौधों का रसोई घर कहलाती है। जिस प्रकार से हमारे घर के अंदर खाना बनता है उसी प्रकार से पौधों के लिए जो खाना बनता है वो कहाँ पर बनता है, लीव्स में बनता है, इसलिए वो क्या कहलाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट। एज दे क्योंकि आर द साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्योंकि ये वह स्थल है, वह जगह है जहाँ पर भोजन का उत्पादन होता है। फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होना, तो फूड प्रोडक्शन भोजन का उत्पादन होना।
तो यह वह जगह है जहाँ पर भोजन का उत्पादन होता है प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे हैव क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल रखते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? दैट जो कि ट्रैप्स द सनलाइट, जो सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को पकड़ता है, सनलाइट को जाल में फंसाता है। ट्रैप मतलब फंसाना या जाल, यहाँ पर ट्रैप्स मतलब फंसाता है या उसको अपने अंदर अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल एक है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है। इट हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड मेकिंग, इट हेल्प यह है सहायता करता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ फूड मेकिंग, भोजन मंगाने भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प करता है एक क्लोरोफिल। कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को क्यों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब बनाने वाला, तो प्रकाश संश्लेषण बनाना क्या बोलते हैं? संश्लेषण। तो इस पूरे का अर्थ हो गया प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर भोजन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होते हैं वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, उसके साथ में वाटर मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ आई नो, इसमें देखते हैं डेजर्ट प्लांट, रेगिस्तानी पौधे। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, प्लांट मतलब पौधे। लाइक कैक्टस, जैसे कि कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, उसके पत्तियां नहीं होती हैं। जो कैक्टस होता है उसके कांटे होती हैं, उसके पत्तियां नहीं होती हैं। इंस्टेड दे हैव स्पाइन टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, क्यों? इंस्टेड के बजाय दे हैव स्पाइन, वे स्पाइन रखते हैं टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, पानी के नुकसान को, नुकसान से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए वो कांटे रखते हैं, पत्तियां नहीं रखते हैं। इन दीज प्लांट फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द ग्रीन फ्लैश सिस्टम, इन पौधों के अंदर पत्तियां तो होती नहीं है, वहाँ पर क्या मिलते हैं? कांटे मिलते हैं। तो इन पौधों के अंदर जो भोजन बनता है किसके द्वारा बनता है? ग्रीन फ्लैश सिस्टम के द्वारा बनता है। जो हरा फ्लैसी मतलब मसलदार गुद्देदार जो स्टेम होता है उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डेजर्ट प्लांट के अंदर। जो डेजर्ट प्लांट होता है उसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं ताकि वहां पर पानी का नुकसान नहीं हो, क्योंकि रेगिस्तान पानी वैसे का मिलता है, इसलिए वहां पर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो पत्तियां नहीं कर पाती हैं। वो काम कौन करता है? उनका हरा और गुद्देदार स्टेम होता है, तना होता है, वो कार्य करता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ, एक लीफ के पार्ट, एक लीफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं? द लीव्स मैनी डिफर इन साइज और शेप, जो लीव्स होती हैं पत्तियाँ होती हैं वो अलग अलग साइज और शेप की हो सकती हैं, बट लेकिन जनरली दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन सामान्यतः वो उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? समान होती है। जैसे आप एक लीव की स्ट्रक्चर हमें दे रखी है उसको हम देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट है जो तने से लगा होता है उसको बोलते हैं स्टाल्क। क्या बोलते हैं? STAL के स्टाल्क, जो इसकी बाहरी परत है ये वाली पूरा, जिसके अंदर पुत्ती का पूरा स्ट्रक्चर आ रखा है उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। फिर पत्ती के बीच में एक लाइन आती है इस प्रकार से, उसको बोलते हैं मिडरिप्स। क्या बोलते हैं? मिडरिप। और उस मिडरिप से अनेक प्रकार की इस प्रकार से लाइनें जाती रहती हैं, उसको बोलते हैं साइड वेन्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे। द मेन पार्ट्स ऑफ लीफ आर, यहाँ पर जो मेन पार्ट है लीफ के वो ये हैं। द मेन पार्ट ऑफ लीफ आर, जो मेन मुख्य पार्ट भाग हैं लीफ के पत्तियों के, वो नीचे दिए गए, उनको पढ़ते हैं हम। पहला है लीफ ब्लेड, जो लीफ ब्लेड है इट इज़ द फ्लैट बोर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, यह पत्ती का चौड़ा और चपटा भाग होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये पत्ती है, इस पत्ती का एक चौड़ा चपटा भाग होता है, इसको हम बोल देंगे लीफ ब्लेड। क्या बोलेंगे इसको? लीफ ब्लेड। नेक्स्ट है मिडरिप, नेक्स्ट कौन सा है? मिडरिप। जैसे ये पत्ती है इसकी जो बीच वाली ये रेखा है ना, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलेंगे इसको? मिडरिप। इट इज़ द थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, इट यह है इज है द थिक ट्यूब, एक मोटी ट्यूब है रनिंग, जिसके रनिंग मतलब चल रही है थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, जो कि लीफ के सेंटर में फैली हुई है। नेक्स्ट है साइड वेन्स, साइड वेन। अब इस लीफ के अंदर जो साइड में जो ये वेन्स आ रही है इसको बोलते हैं साइड वेन। दे आर ये हैं द थिन ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिप, जो कि मिडरिप से उत्पन्न हुई पतली पतली ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं साइड वेन्स। क्या बोलते हैं? साइड वेन। नेक्स्ट है स्टाल्क,
स्टाल इज द पार्ट ऑफ द लीफ, यह भी पत्ती का एक भाग है, दैट कनेक्ट द लीफ टू द स्टेम, जो कि लीफ को स्टेम से कनेक्ट किया हुआ होता है, जो ये आगे वाला पार्ट होता है जिस यहाँ से पत्तियाँ क्या होती हैं स्टेम से या ब्रांच से जुड़ी होती हैं, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं स्टाल्क, क्या बोलेंगे स्टाल्क। देर आर टीनी पोर्स ऑन द अंडर साइड टू ऑफ द लीफ, जो पत्तियाँ होती हैं उसके नीचे की तरफ अनेक प्रकार के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इस प्रकार के कैसे होते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे छेद होते हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसको स्टोमेटा कहते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों की निचली सतह पर, इस प्रकार के उसको स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दीज पोर्स, इन पोर्स की सहायता से, इन छेद की सहायता से प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन, इन प्लांट्स की सहायता से जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को तो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। तो स्टोमेटा का यहाँ पर चित्र बना करके आपको दिखा रखा है, ये इसकी गार्ड सेल्स होती हैं और इसके अंदर जो होल दिखा रखा है इसको बोलते हैं पोर्स स्टोमेटा। लाइफ लेसन देखते हैं इसमें हम, ए लीफ विच फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, एक पत्ती विच जो फॉल्स गिर जाती है फ्रॉम ए ट्री, एक पेड़ से गोज जाती है, वेर एवर विंड्स टेक इट, जहाँ पर उसको हवा लेके जाती है वहाँ पर वो चली जाती है। एक जो पत्ती होती है अपने पेड़ से गिर जाती है, उसको वहाँ से गिरने के बाद जहाँ वहाँ पर हवा उसको लेके जाती है वहाँ पर वो चली जाती है। बी द विंड, हवा बनो, टू ड्राई सदर, जिस प्रकार से हवा होती है दूसरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, तो हमें भी हवा बनना चाहिए जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों को मूव करा सके। नोट द लीफ, नोट द लीफ, पत्ती नहीं बनना चाहिए, टू बी ड्राइवन बाई अदर्स, जो कि दूसरों के द्वारा चले, वो हमें पत्ती नहीं बनना, हमें दूसरों को अपने अनुसार चलाना है, इस प्रकार की हमें हवा बनना है। ये हमारा लाइफ का लेसन है, हमें सीखना चाहिए हमारी ज़िंदगी के अंदर कि हमें पत्ती नहीं बनना है जो कि अपने डाल से टूट करके जहाँ पर हमें कोई भी भाग ले जाए हम चले जाएँ, हमें तो हवा बनना है जो दूसरों को अपने अनुसार रुख बना करके चले। तो बेटा इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट करेंगे। अब इसे देखते हैं कुछ हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इसमें लीव्स, एल ई ए वी ई एस, लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ। कलेक्ट, सी ओ डब्ल एल ई सी टी, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। फिगर, एफ आई जी यू आर ई, फिगर, फिगर मतलब आकृति। असाइनमेंट, असाइनमेंट, ए डब्ल एस आई जी एन एम ई एन टी, असाइनमेंट मतलब सौंपना। पी आई सी के, पिक, पिक मतलब उठाना। अम्यूज्ड, ए एम यू एस सी डी, अम्यूज मतलब खुश या मन बहलाना। वाइड, डब्ल्यू आई डी, वाइड मतलब चौड़ा होता है। नेक्स्ट है रेंज, आर ए एन जी, रेंज मतलब सीमा। अराइज, उठना या उगना, ए आर आई एस सी, अराइज मतलब उठना या उगना। आइडेंटिफाई, आई डी ई एन टी आई एफ आई एन जी, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। नेक्स्ट है साइट, एस आई टी ई, साइट मतलब स्थल या स्थान। टी आर ए पी, ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। पी एच ओ टी ओ एस वाई एन टी एच ई एस आई एस, पहले फोटो ली देंगे फिर सिन थेसिस, पी एच ओ टी ओ फोटो एस वाई एन सिन थे टी एच ई एस आई एस सिस। नेक्स्ट लास्ट हमारे स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। तो आज का काम आपका यहीं पर यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास पे इसके आगे पार्ट के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।